क्या हुआ जब एक इंसान ने रकून को खाने के लिए कॉटन कैंडी दी। पहले मैं आपको रकून के बारे में खास बात बता दूं कि रकून कुछ भी खाने से पहले उस चीज को धोना पसंद करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि कॉटन कैंडी शुगर से बनी होती है और वो पानी में जाते ही आसानी से घुल जाती है, और कुछ ऐसा ही इस बेचारे रकून के साथ हुआ। इसने जैसे ही कॉटन कैंडी को धोने की कोशिश करी, कॉटन कैंडी जल्दी से पानी में डिसॉल्व हो गई और ये कंफ्यूज होकर अपनी कॉटन कैंडी को ढूंढने लगता है। और ऐसा प्रैंक इंसानों ने सिर्फ इसके साथ ही नहीं, इसके और भाई बहनों के साथ भी किया और उनकी भी कॉटन कैंडी गायब हो गई। लेकिन थोड़ी देर में ये समझ गया, कॉटन कैंडी पानी में डालते ही गायब हो जाती है। तो फिर जब इसे दोबारा कैंडी खाने को दी तो ये बिना धोए उसे शांति से खाने लगता है।